तो यहाँ पे जैसी कोई साउंड चलेगा, कोई भी चीज चलेगी, तो उसके ऊपर ये लाइट म्यूजिक के साथ साथ ब्लिंक होगी, कलर चेंज करेगी। वेलकम बैक हो गया भाई के चैनल पे। तो भाई जिन जिन लोगों ने आरिफ चैम व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दें। तो भाई आज जा रहा है तुम्हारा भाई अपने दोस्त के साथ। बेटा हाय करो मेरे सब्सक्राइबर को मिसबा भाई। आज जा रहे हैं हम लोग डिफेंस, और जा क्यों रहे मिसबा भाई बताइए। हाँ मिसबा भाई बताओ, रूम थिएटर की प्रोमो बनाने जा रहे हैं। सही से बताओ, रूम थिएटर का प्रोमो बनाने जा रहे हैं। और मिसबा भाई का बनाना है प्रोमो, मतलब इन्होंने जो काम किया और हम बनाएंगे इस मोबाइल से मिसबा के काम का प्रोमो। पता नहीं बोल क्या रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैं जाके दिखाऊंगा वहीं पे। तो मिलते हैं डायरेक्ट डिफेंस पे। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। कहाँ पहुंचे सुफियान भाई? क्लॉक टावर। अच्छा ये हैं हमारे दोस्त सुफियान भाई, इन्होंने भी वो कारनामा अंजाम दिया। और ये है मेरे दोस्त मिसबा भाई, और वो है मिसबा के कजन, और इसको तो आप जानते होंगे। ये कौन है गंजे? हाय तो कर मेरे सरदार को। नहीं वो पुराने वाले स्टाइल में। ये अभी हम लोग रुके हैं कुछ खाने पीने, फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग डायरेक्ट मिशन। मिसबा भाई हो गए हम पे मेहरबान, मंगवा ली उन्होंने हमारे लिए बिरयानी। अच्छा ये दो प्लेटें जो है ना ये मिसबा अकेला खाएगा। मिसबा भाई जी। भाई भाई करके बात कर रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ। ये दो प्लेटें आप अकेले खा रहे हो यार? एक चम्मच लाना लड़के, एक्स्ट्रा लड़के चम्मच लाना एक और। भाई चम्मच ला दो मेरे दोस्त को। सुफियान भाई आप भी बिरयानी खा रहे? चलो भाई मैं भी बिरयानी खा रहा हूँ। बिरयानी खा के फिर जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे मिशन पे? क्या खा रहे हैं ये तो बताओ सुफियान भाई। मिसबा ने तो नहीं बताया, सीक्रेट है, बाद में बताओ। चलो फिर बाद में बताते हैं, मैं भी बाद में बताऊंगा बिरयानी खाने के बाद। 100, 200, 300, 400, 500 रुपए में निपट गया ये लौंडा, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इसको। बारबेक्यू खाना ना गंजे? बारबेक्यू में क्या होता है यार? तुम चुप हो जाओ यार। अबे इतनी तुमने सांसें नहीं ली होंगी अपनी जिंदगी में, इतने इतने तिक्के खाए बता गंजे। फास्ट फूड का नाम लिया और ये हमें समोसों में डर गा रहा है। बेटा क्लॉक टावर चलेंगे अभी मिशन सक्सेसफुल होने के बाद। और ये अपनी लोकेशन पे जहाँ हमें आना था। ये है मिसबा भाई। मिसबा भाई इतने काले क्यों आ रहे हो? ये सुफियान भाई हमें जाना है ये वाले घर पे। और क्या करने जाना है सुफियान भाई बताएंगे? क्या करने जाना है भाई? मिसबा बताएं क्या करने जाना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था हम लोग आ रहे हैं मिशन पे। तो मिशन ये है, मिसबा भाई ने बनाया है रूम ट्रेडर। क्या बोलते हैं सुफियान भाई? रूम ट्रेडर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। Thank you.
ट्विटर के बारे में सुफियान भाई पूरी डिटेल से बताएंगे, तो सुफियान भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है व्यूअर्स? व्यूअर्स, ये होम थिएटर है, मिनी होम थिएटर हम लोगों ने बेसमेंट के अंदर डिज़ाइन करा है। इसके अंदर ओवरऑल वर्किंग जितनी भी इंटीरियर की जितने भी फाइबर पैनल्स लगे हुए हैं, सारी ओवरऑल कंडीशन जो भी दिख रही है आपको, इसमें एक महीना लगा तैयार होने में। और इसकी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि आप फ्रंट पे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने स्क्रीन लगाई, यहाँ पर प्रोजेक्शन भी जिस पर बैठ के सुकून से बंदा मूवी देख सकता है। तो ये मोटराइज्ड है, मैं आपको फंक्शन भी दिखा देता हूँ उसके। यहाँ पर इस तरह की रिमोट होता है जिससे स्क्रीन ऊपर से ली जाती है और मतलब ऊपर जाके ये बंद हो जाएगी, और बीच में कहीं स्टॉप करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगी। बाकी अगर इसको पूरी नीचे खोलनी है तो नीचे भी हो जाती है। उसके नीचे ये कंसोल है, वुडन कंसोल है, वुडन कंसोल, ये कस्टमाइज डिज़ाइन है हम लोग का अपना है। इसके अंदर ये वॉल के अंदर फिक्स है, ठीक है। बाकी साउंड सिस्टम के लिए हम लोगों ने इसके अंदर बॉस का TDS लगाया, 5 in 1 TDS सराउंड साउंड देता है। अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे वो देता है, परफॉर्मेंस देता है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जब आप मूवी देख रहे होते हैं आपको हर समय अलग अलग नज़र समझ आ रहा होगा कि कहाँ से कुछ आ रही है, ड्यूल वाय एक तरह का ड्यूल वाय। बाकी प्रोजेक्टर है, ये स्मार्ट प्रोजेक्टर है, ये हम लोगों ने लगाया है, 1080p है। इसके अलावा यहाँ पर ये कस्टमाइज वुडन डिज़ाइन है, 3 लेयर्स का कस्टमाइज वुडन डिज़ाइन है। इसके अंदर लाइट्स होती हैं, वो लाइट्स भी अच्छी क्वालिटी की होती हैं, नॉर्मल LEDs नहीं होती हैं, SMDs होती हैं जो इसलिए ख़राब नहीं होती हैं, लॉन्ग टर्म चलती हैं, 4-5 साल, बशर्ते कि आप इसको खुद से ख़राब ना करें तो ये ख़राब नहीं होगी। बाकी Layer 1, Layer 2, Layer 3 इस तरीके के, इसमें और भी लेयर्स के अंदर डिज़ाइन आते हैं, वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो एक इस वॉल के ऊपर बना है, एक सामने वाली वॉल के ऊपर बना है, डिज़ाइन दो। और ये चीज़ जो आप देख रहे हैं पैनल्स, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं ये WPC पैनल है दूसरी क्वालिटी के, लेकिन ये इंटीरियर क्वालिटी और फाइबर के अंदर बने हुए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक आप इसका लुक भी देख सकते हैं, अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो आप ऊपर लाइट देख रहे हैं, जो हमारी सीलिंग के अंदर लाइट चल रही है, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल लाइट। इसके अलावा हरी भाई जरा ऊपर दिखाएं, ऊपर की जो रेड कलर की लाइट चल रही है, ये बेसिकली है RGB, रेड येलो ब्लू। इसके अंदर मल्टीपल फंक्शनलिटीज होती हैं, ये एटमॉस्फेयर लाइट कहलाती है। एटमॉस्फेयर इसको कहते हैं कि जब अगर हम लोग भी मूवी थिएटर के अंदर हैं तो यहाँ पे जैसी कोई साउंड चलेगा, कोई भी चीज़ चलेगी, तो उसके ऊपर ये लाइट म्यूजिक के साथ साथ ब्लिंक होगी, कलर चेंज करेगी। दूसरी चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर एक एप्लीकेशन भी आती है, जैसे अगर मैं कोई सा भी गाना चलाता हूँ, हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चला देता हूँ, तो ऊपर दिखाएं अरे भाई, ये लाइट इस तरीके से ब्लिंक होगी। ठीक है, बाकी हम इसको डिम भी कर सकते हैं, इसको ब्राइट भी कर सकते हैं, जितना चाहे ब्राइट कर सकते हैं। और रूम को एनवायरनमेंट बनाने के लिए रूम का, कि हम लोग यहाँ पर बैठने को फ्रेंडली रहे, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी ना हो, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वेंटिलेशन के लिए दो एग्जॉस्ट लगाए हैं कॉर्नर पे, एक जो सप्लाई के लिए होता है और एक रिटर्न के लिए होता है, ताकि जब आप अंदर बैठे हैं रूम के अंदर तो आपको किसी चीज़ की घुटन फील ना हो कि आप यार बहुत ज़्यादा बेसमेंट में बैठे हैं, घुटन फील हो रही है। तो एक हमारा सप्लाई करता है, दूसरा रिटर्न ही है। इसके अलावा AC है, AC इनफ है टू टाइम, यहाँ पर कूलिंग के लिए कूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लाइट्स मैंने आपको दिखा दें, इस लाइट्स के अंदर ये लाइट्स हैं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डोर है जो हम लोगों ने यहाँ पर कस्टमाइज डिज़ाइन करा है। ठीक है, इस डोर के अंदर लाइट्स हैं जो ऑन भी हो जाती हैं और ऑफ भी हो जाती हैं, जस्ट लाइक दैट। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास के पीछे स्टेयर्स हैं जहाँ से मैं उतर के बेसमेंट के अंदर आता हूँ, तो हमने इसको पूरा, ये वुडन शीट्स हैं जिससे कवर हुआ है, वुडन वॉल कहलाती है, तो इस तरीके से कवर करके फिर यहाँ पे कैबिनेट्स डिज़ाइन करें रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्टेज में ना जाए। इसके अलावा सोफ़ा है, सोफ़ा रखा हुआ है, टेबल रखी है, और भी चीज़ें हो सकती थी। ये बेवरेज सेंटर है,
अगर सीटिंग करने के लिए बंदा बैठा हुआ है, उसको ड्रिंक की जरूरत है, किसी भी चीज़ की जरूरत है, तो यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वॉल डिजाइन है जो मैट फिनिश में बना हुआ है। इस तरीके के और भी डिजाइन बनते हैं, जैसे एक सामने बना हुआ है, ठीक है, सामने बना हुआ है, फैन लगाया हुआ है। जब हम लोग बेसमेंट के अंदर आते हैं, काफ़ी टाइम से आया नहीं, एक हफ्ता हो गया या चार दिन हो गया, तो इसके अंदर एक स्मेल क्रिएट हो जाती है जो अक्सर घरों में होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर्स लगाए हैं जो डे टाइम के अंदर जैसे हम आएंगे ये स्प्रे करते रहते हैं ऑटोमेटिक है, ठीक है, ये स्प्रे करते रहते हैं, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाते हैं, खुशगवार बनाते हैं। बाकी छोटे स्पीकर हम लोगों ने ऊपर लगाए हैं साउंड साउंड के लिए। अभी ये इनकम्प्लीट है, कल मेरे यहाँ पर रिक्लाइनर्स आने हैं जो कि मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स हैं। मोटराइज्ड रिक्लाइनर्स ये होते हैं कि एक सोफ़ा होता है, सोफ़ा उसके अंदर एक रिमोट होता है वो मोटर के अंदर, जैसे अगर आप उसको बटन दबाते हैं तो उसकी बैक सपोर्ट पीछे चली जाती है, फुल प्रेस ऊपर उठ जाता है, बंदा रिलैक्स होकर बैठता है, मूवी देखता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, प्लैनेटेरियम लैंप्स कहते हैं उसको, ठीक है, प्रोजेक्शन लैंप होता है वो बेसिकली फाइबर ऑप्टिक चलती है हमारे पास स्टेरी लाइट्स, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत सारे लोग वो नहीं लगवाते, तो इस वजह से हमने उसका अल्टरनेट के लिए एक प्लैनेटेरियम प्रोजेक्शन लैंप लगाया यहाँ पर। तो अगर आपके कैमरा में वो दिख रहा है ऊपर दिखाएं, ये ये चीज़ होती है, ये गैलेक्सी होती है, गैलेक्सी के लेंसेज होते हैं इसके अंदर, 13 लेंसेज के साथ ये आता है, और ये अलग अलग लेंसेज लगा सकते हैं, जैसे नेबेला हो गई या सोलर सिस्टम हो गया हमारा, तो इसके अंदर एक छोटी सी मोटर होती है जो लेंस को रोटेट करती है, इसको भी दिखाना है, ये प्रोजेक्टर है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो प्लैंक्स लगाए हैं कारपेट टाइल्स, वो भी इम्पोर्टेड हैं, वो जिस तरह के लगे हुए आप देख सकते हैं डिज़ाइन के अंदर, ये किसी भी डिज़ाइन के अंदर लग जाते हैं, मल्टीपल इसके डिज़ाइन होते हैं, स्क्वायर में भी आते हैं, बाकी ये थोड़े रेक्टेंगल शेप के, ये थोड़े और डिज़ाइन के अंदर भी आते हैं। और भी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके अलावा एक और चीज़ उन लोगों ने यहाँ पर बनाई है जो एक छोटा सा बार टाइप का डिज़ाइन है, काउंटर टेबल लगी है यहाँ पर, इसमें कैबिनेट्स है, यहाँ पर कैबिनेट्स हैं, इसके अंदर भी लाइट्स हैं, और ये जो ग्रेनाइट लगा है इसके अंदर भी लाइट्स हैं, वाइट ग्रेनाइट। बाकी ये लैंप्स हैं, रॉक लैंप्स कहलाते हैं, ये पेंडेंट लैंप्स है, ठीक है। इसमें और भी वैरायटीज आती हैं, और भी चीज़ें आती हैं, कस्टमाइज भी होते हैं, हम लोग ये खुद की भी चीज़ें होती हैं बनाई हुई, तो वो डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा हरीफ भाई के साथ। हरीफ भाई ठीक है, ठीक है भाई, सही है। तो इसके अलावा एक चीज़ और होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये कम्प्लीट नहीं है, ठीक है, तो ये जब स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स दिखाएं हरीफ भाई, इसके अंदर नीचे लाइट दिखाएं, एक लाइट लगी है नीचे, ठीक है, जो अभी आपने हरीफ भाई ने आपको लाइट्स दिखाई हैं, लाइट्स दिखा अरे भाई स्टेप्स के अंदर जो लगी है, ये लाइट लगी है भाई, ये लाइट लगी, ये इस लाइट की फंक्शनलिटी ये है कि ये है मोशन सेंसर लाइट, जैसे ही कोई इस स्टेयर से आएगा, ये अभी इनकम्प्लीट है, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको एक से दो दिन और लगेंगे फिर ये कम्प्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा अरे भाई थोड़ी इसकी एक और वीडियो बना लेंगे। तो जैसे ही मैं यहाँ से स्टेयर के ऊपर चढ़ूंगा, मेरी लाइट स्टेप बाय स्टेप चलती हुई ऊपर चली जाएगी, और जब वहाँ से मैं वो नीचे उतरूंगा तो वहाँ से भी चलती हुई नीचे आ जाएगी, फिर बंद भी उसी तरह से होती है। बाकी और इनका कहने का मतलब ये है कि हम जिस स्टेयर पे पांव रखेंगे वहां की लाइट जलेगी, वहां से पांव उठाएंगे और लाइट बंद, फिर अगले स्टेप पे पांव रखेंगे वहां की लाइट जलेगी, फिर वहां से जैसे पांव उठा के अगले स्टेप पे जाएंगे वहां की बुझ जाएगी और आगे स्टेयर की जल जाएगी, है ना ठीक है। इसके बाद बाकी ट्रैक लाइट्स लगती है जो फोकस लाइट्स होती है, किसी भी चीज के ऊपर फोकस रखने के लिए, यहाँ पे मेरी पेंटिंग्स लगेंगी या कोई भी चीज़ लगेंगी, पोस्टर लगेंगे तो उसके ऊपर एक फोकस होना चाहिए, तो ये ट्रैक लाइट्स होती हैं 360 होती हैं, कहीं कहीं मूव हो जाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ के बाद फिर एक ग्लास है जो हमने बनाया, ठीक है, एक ग्लास अरे दिखा दें बस, ये तो भाई ये था सुफियान भाई और मिथुन भाई का प्रोजेक्ट जो इन्होंने कंप्लीट किया, मतलब कि एक दो दिन का काम रह गया है, ये स्टेप का काम रह गया, और क्या अभी क्या आ रहा था सुफियान भाई? अभी बस दो दिन की हमारी फिनिशिंग रह गई है, अभी कुछ सामान आ रहा था आपका?
अभी रिक्लाइनर्स आने बाकी है तो उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया इसको, कि जब सारी चीजें आएंगी तो एक साथ ही यहाँ पे काम फिनिश कर देंगे। अभी रिक्लाइनर आ रहा है इनका, हम वो भी अपने ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। तो मिलते हैं जब तक रिक्लाइनर नहीं आ रहा इनका, तब तक के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया है होम थिएटर जो कि घर के ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ है और बहुत ही VIP और मस्त बनाया मेरे दोस्तों ने। तो अगर किसी को बनवाना हो तो मेरे दोस्तों से रब्ता कर सकते हैं। सुफियान भाई क्या करना पड़ेगा? कॉन्टेक्ट करने के लिए आप से रब्ता कर सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल और वेबसाइट का लिंक में आरिफ भाई की डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। सही है, बिल्कुल डाल देंगे। मिर्जा भाई, मिर्जा भाई कैसे हैं? अरे भाई आप पहले तो ये बताएं। एकदम बढ़िया, बहुत गाने काटो और मुद्दे पे आओ। हाँ भाई, ये कह रहा था कि जो सुफियान भाई ने आपको बताया, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी और मेरे डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन जितने भी मैंने करे इस प्रोजेक्ट के अलावा, वो भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, तो आप इसको अपलोड कर दिएगा। लेकिन मिर्जा भाई सलूट है, और सुफियान भाई आपको भी सलूट है यार, एंड कर दिया यार, एंड जिसको बोलते हैं ना आफरी। ये देखो इसके बाद कयामत है बॉस, इसके बाद कयामत है, एंड कर दिया। नहीं मजाक चढ़ गया नहीं मिर्जा भाई, अप्रिशिएट तो बनता है यार, इसके बाद बाकी कयामत है। तो भाई ये थे हमारे सुफियान भाई और मिर्जा भाई, अब हम जाएंगे रात का डिनर करने। तो मिर्जा भाई की तरफ से ट्रीट तो बनती है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया। मिर्जा भाई कहाँ लेके जाएंगे? गुलशन लेके जाएंगे, मोती महल पे, जेजी फूड पे आपको खिलाएंगे फास्ट फूड। तो भाई खाएंगे हम फास्ट फूड, वहां तो समोसों का फूड था जो हमने नहीं खाया, तो मिर्जा ने 100 रुपए वाली बिरयानी में टरका दिया हमें, लेकिन हम खाएंगे रियल में फास्ट फूड मिर्जा भाई की तरफ से। मिर्जा भाई ने दे दिया ट्रीट, खाली हम लोगों ने खाना। मिर्जा भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए, आपने हमारा साथ टाइम स्पेंड किया, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है आरिफ भाई, इसके साथ तक करते हैं व्लॉग को खत्म। भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैंने बताया था ये तुम्हारे भाई की चैनल की नहीं, ये तुम्हारे भाई की दिल की घंटी है, प्लीज बजा दो यार, बजा दो।